सो गाइस, आफ्टर 31 डेज वी हैव वन प्लस 12 जो कि वन प्लस की ओर से एक बहुत ही बेहतरीन सा फ्लैगशिप फ़ोन बन के आता है इंडियन मार्केट के अंदर। एंड वन प्लस 11 का दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सा सक्सेसर देखने मिल जाता है। इस फ़ोन के अंदर वन प्लस ने बहुत सी चीज़ों को पैक किया और बहुत से अपग्रेड किए हैं। दोस्तों जानेंगे आज की वीडियो में क्या कुछ खास इस फ़ोन के अंदर पैक किया, करेंगे इसी फ़ोन की फुल डिटेल रिव्यू आफ्टर 31 डेज एंड अनबॉक्सिंग। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट जंप टू द वीडियो। दोस्तों शुरुआत करते हैं फास्ट क्विक अनबॉक्सिंग, जहाँ पे आपको 12 की ब्रांडिंग के साथ वन प्लस मिल जाता है लिखा हुआ बॉक्स पे, और बॉक्स के अंदर एक लेयर ऑफ कोई के इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन गाइडिंग मैनुअल स्टिकर्स मिल जाते हैं जिनको रखते हैं बाकी साइड में। बाकी बॉक्स कंटेंट में सिम इजेक्टर टूल किट के साथ एक आपको अच्छी क्वालिटी की केस मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छी है दोस्तों। एंड साथ ही साथ बाकी बॉक्स कंटेंट की ओर बढ़े तो यहाँ पे आपको फोन मिलता है साइड में रख के। बाकी बॉक्स कंटेंट की भी बात करेंगे तो आपको बॉक्स के अंदर देखने मिल जाता है 100 वॉट का एक सुपर वुक चार्जर जो कि डार्ट चार्जर है दोस्तों, एक ब्रिक बोल सकते हैं। एंड टाइप ए टू टाइप सी केबल मिल जाती है रेड कलर की देखने के लिए। बॉक्स के अंदर इतनी कंटेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन के अंदर डिज़ाइन की, जहाँ पे आपको फ़ोन की डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम मिल जाती है। मुझे पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन वाला फ़ोन लग रहा है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। वन प्लस की ब्रांडिंग मिलती है एंड इन एंड फील लाजवाब मिल जाता है। फॉर्म फैक्टर भी अच्छा है, थोड़ा सा हैवी वेट के साथ है बट बहुत ही अच्छी स्लगली फिट होती है हैंड के अंदर। और साथ ही साथ दोस्तों डिज़ाइन तो बहुत ही प्रीमियम मिल जाती है मार्बल शेडिंग के साथ। वन प्लस 11 के कंपेरिजन में थोड़ा सा कैमरा मॉड्यूल बड़ा किया गया है एंड यूनिक दिखाई देता है दोस्तों। डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बाकी कवर इसके ऊपर स्लगली फिट हो जाता है एंड साइड के फ्रेम्स आपको एल्युमिनियम के मिल जाते हैं। इन एंड फील अच्छा है, कॉर्निंग लग रहा है, 5K प्रोटेक्शन बैक में एंड फ्रंट में विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है जो कि अच्छी बात है। डिज़ाइन एंड फॉर्म फैक्टर फोन का बहुत ही अच्छा है, डेफिनेटली पसंद आया। एंड साथ ही साथ वन प्लस 11 की कंपेरिजन में फ़ोन के अंदर थोड़े से चेंजेस भी है। 9.15 mm की थिकनेस मिल जाती है फ़ोन को एंड वेट 220 grams के आसपास का मिल जाता है। IP65 की सर्टिफिकेशन है, 68 का सर्टिफिकेशन ही मतलब स्प्लैश रेजिस्टेंट फ़ोन है। नेक्स्ट पोर्ट्स एंड बटन्स की अगर बात करें तो चलो डाउन साइड में आपको मिल जाता है सिम कार्ड ट्रे स्लॉट, जहाँ पे आप डुअल नैनो सिम कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि फ्लैगशिप फोन है बट यहाँ पे आपको ई सिम का सपोर्ट नहीं है जो कि अच्छी बात है, फिजिकल सिम है। एंड प्राइमरी माइक्रोफोन के साथ टाइप सी पोर्ट मिल जाता है USB 3.2 Gen के साथ देखने के लिए। एंड उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। राइट साइड में पावर ऑन बटन के साथ से यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है। एंड टॉप साइड में यहाँ पे आपको मिल जाता है सेकेंडरी माइक्रोफोन आईयर ब्लास्टर के साथ साथ सेकेंडरी स्पीकर ग्रिल का सपोर्ट। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है वन प्लस की खास पहचान अलर्ट स्लाइडर जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। डिस्प्ले की अगर बात करते चलो तो सबसे बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है किसी स्मार्टफोन में 6.82 inches की 2K+ एमोलेड डिस्प्ले जो कि LTPO डिस्प्ले है, 120Hz रिफ्रेश को सपोर्ट करती है। एंड 4500 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ कर्व डिस्प्ले मिल जाती है सेंटर पंच होल के साथ देखने के लिए। LTPO डिस्प्ले है डेट मीन्स आपकी रिफ्रेश रेट डायनेमिकली चेंज हो सकती है 1:120Hz रिफ्रेश रेट तक। एंड आप फोर्सफुली भी यहाँ पे आप रिफ्रेश रेट को शिफ्ट कर सकते हैं दोस्तों। और टॉगल करने के साथ याद आया मुझे सेंटर पंच होल के साथ जो आपको यहाँ पे साइड के एजेस मिलते हैं नॉन एग्जिस्टिंग मिल जाते हैं, बेजल्स भी नाक के बरोबर मिल जाएंगे। मल्टीमीडिया कंज्यूम करने में बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले मिल जाती है, कलर्स बहुत ही ज़्यादा नेचुरल एंड वाइब्रेंट दिखाई देंगे। इन शॉर्ट मल्टीमीडिया कंज्यूम करने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला क्योंकि डॉल्बी विजन के साथ HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। और जो आपको ब्राइटनेस के साथ साथ जो आउटपुट मिलेगा मल्टीमीडिया कंज्यूम करने में बहुत ही तगड़ा और साथ ही साथ डॉल्बी विजन का सपोर्ट है। मल्टीमीडिया कंज्यूम्पशन के लिए डिस्प्ले बहुत ही बेहतरीन है, स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है जिसकी आउटपुट क्वालिटी आप सुन सकते हैं दोस्तों। हालांकि IQ12 की कंपैरिजन में डिस्प्ले आपको थोड़ी सी कम ब्राइट दिखाई देगी बट यहाँ पे आपको जो है ना सिमिलर टाइप की मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए डिस्प्ले मिल जाती है। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको सिमिलर डिस्प्ले मिल जाएगी बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फोन के अंदर सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स OxygenOS 14 का सपोर्ट मिलता है Android 14 के ऊपर, जहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छी सी क्लीन मिनिमल स्टॉक एंड्रॉयड वाले एक्सपीरियंस जो कि ना आपको Android 14 के साथ 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट के साथ 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी प्रोवाइड करेगा। कस्टमाइजेशन के लिए ढेर फीचर मिल जाएंगे फोन के अंदर एंड कुछ फीचर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट देखने मिल जाएगा आप अगर ग्लोबल सर्च के अंदर किसी ऐप को सर्च करेंगे देन। बाकी आप आपको UI के अंदर गूगल डायलर का सपोर्ट मिलता है जो कि आप ओल्ड डायलर से उसको रिप्लेस कर सकते हैं प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके दोस्तों, क्योंकि आपको कॉल रिकॉर्डिंग जैसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को ही प्रोवाइड कर देगा जो कि स्टॉक एंड्रॉइड वाले फीचर्स में नहीं है दोस्तों। बाकी मुझे UI के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो मैंने बोला कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक्सेस कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको फोन के अंदर ऐप लॉक, ऐप क्लोन एंड कुछ एक्स्ट्रा फीचर लाइक हिडन ऐप वाले कुछ फीचर्स मिल जाते हैं
फैक्टर जो कि लगभग सारे वन प्लस फोन में होते हैं। 24 GB तक आप रैम को एक्सपांस कर सकते हैं वर्चुअली विद दिस। यहाँ पे आपको ना रोम वाइटलाइजेशन के करके एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, जो कि ना आपके ना स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करके बहुत अच्छे से स्टोरेज को कंज्यूम करने से बचाता है। बाकी यहाँ पे आपके अगर फोन के डिस्प्ले के ऊपर कुछ ना वाटर के स्प्लैशेज गिरे हुए हैं तो भी आप फोन को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि डिस्प्ले के अंदर एक और खास बात मिल जाती है मुझे, जो कि बताना भूल गया था मैं। बाकी परफॉर्मेंस की अगर बात करते हो तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम की तरफ से Snapdragon 8 Gen 3 4 बेस्ट पावरफुल प्लस लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चिपसेट मिलता है। विद दिस आपको फोन के अंदर मिल जाता है LPDDR5X रैम के सपोर्ट के साथ UFS 3.2 की सपोर्ट, जो कि ना UFS 3.2 आपको मिलेगा 256 GB वाले रोम वेरियंट के साथ। 512 GB वाले वेरियंट में आपको UFS 4.0 का सपोर्ट मिलेगा। रीड एंड राइट स्पीड फोन की अच्छी है, 19 लाख के आसपास का एंड्रॉइड स्कोर मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से बाकी सारे फोन की कंपेरिजन में कम है जो कि Snapdragon 8 Gen 3 पे आते हैं दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन कंपेरिजन देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ना हीट थ्रॉटलिंग थोड़ा सा गेन करता हुआ दिखाई देगा, जो कि 35 डिग्री के आसपास की हीट थ्रॉटलिंग गेन करता है चिपसेट। नॉर्मल मोड पे ठीक है, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड में बहुत ज़्यादा हीट गेन करता है दोस्तों। बाकी आप गेमिंग के अंदर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के आपको 90 FPS की गेमिंग मिल जाएगी। और दोस्तों गेमिंग मोड के अंदर आपको बहुत से फीचर मिल जाते हैं जिसको आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अपने रे ट्रेसिंग वाले फीचर्स को भी यहाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया वन प्लस के फोन के अंदर फॉर गेमिंग। बाकी साथ ही साथ यहाँ आपको ना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल जाएगी, डेली यूसेज में कोई दिक्कत नहीं होगी, शिकायत नहीं आएगी। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी बहुत अच्छी स्पीड के साथ हो जाता है। UFS 4.1 की रीड एंड राइट स्पीड भी बहुत ही तगड़ी है दोस्तों। माइंड वन थिंग दोस्तों, यहाँ पे UFS 3.2 का सपोर्ट मिलता है 256 GB वाले वेरियंट के अंदर। सेंसर कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको सारे सेंसर कनेक्टिविटी के फीचर मिल जाते हैं, साथ ही ओ हैप्टिक्स का सपोर्ट मिलता है, जो कि हैप्टिक्स फोन के अंदर बहुत ही अच्छी मिलती है एक्स एक्सिस मोटर की वजह से। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट नहीं, बट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बहुत अच्छी तरह से फास्ट एक्यूरेट वर्क करता है, एंड उसकी प्लेसिंग भी बहुत अच्छी तरह से की गई है दोस्तों, जो कि आपको यूज़ करने में आसानी होगी। एंड यहाँ पे आपको दोस्तों साथ ही साथ कनेक्टिविटी के मामले में 95G का बैंड का सपोर्ट मिलता है, 12 4G वोल्टी के साथ, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 के साथ, NFC का भी सपोर्ट मिलता है, कनेक्टिविटी टॉप नॉच की है। विद दिस यहाँ अगर बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5400 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है, जिसको चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स के अंदर 100W का अडेप्टर मिलता है। फोन सपोर्ट करता है 100W की फास्ट चार्जिंग को, जो कि नियर अबाउट 35 मिनट के अंदर आपकी बैटरी को 0 to 100% फुली चार्ज कर देगा। 50W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, डेली यूसेज में बैटरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है दोस्तों। एंड 10W का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है फोन में। विद दिस आपको ना यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑन टाइम भी बहुत अच्छा मिल जाता है 8 आवर्स के आसपास का। दैट मीन बैटरी अगर आप सिंगल चार्ज में यूज़ करेंगे हैवी परफॉर्मेंस के लिए तो आराम से एक दिन बैटरी जाएगी दोस्तों, बिना किसी दिक्कत की। कैमरा की अगर बात करते हुए चलो तो यहाँ आपको ना कैमरा सेंसर बहुत ही अच्छा मिल जाता है, 3x स्लॉट कैमरा सेंसर के साथ देखने को मिलता है। 64 MP पेरिस्कोप लेंस जो कि 3x जूम को सपोर्ट करता है। 50 MP का मेन सेंसर LYT 808 सेंसर है दोस्तों। अल्ट्रा वाइड एंगल 48 MP का मिल जाता है। तीनों लेंस आपको सोनी की मिल जाएगी। इन फ्रंट में आपको मिल जाता है 32 MP की सेल्फी कैमरा, सोनी की IMX 808 लेंस मिल जाती है दोस्तों। एंड यहाँ पे आपको ना बहुत से फीचर मिल जाते हैं। कैमरा वाइज के अंदर 120x जूम का भी सपोर्ट मिल जाता है फोन के अंदर दोस्तों, जो कि ऑप्टिकल जूम है। और साथ ही साथ यहाँ आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, 8K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक कैमरा से। एंड कैमरा वाइज के अंदर बहुत से फीचर मिल जाते हैं जिनको यूज़ करके आप अच्छी अच्छी इमेजेस को क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, बिना किसी दिक्कत और शिकायत की। इसी फोन से कुछ क्लिक किए हुए इमेज सैंपल्स को मैं आप सभी के सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, जो कि नाइट मोड के अंदर भी बहुत अच्छी आउटपुट देती है दोस्तों। डे लाइट के अंदर भी आपको कैमरा आउटपुट बहुत अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड कलर की जो सैचुरेशन मिलती है बहुत अच्छी मिलती है। नाइट के अंदर भी मैक्रो लेंस बहुत अच्छे तरह से वर्क करता है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को भी मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा दोस्तों। एंड बाकी 50 MP का जो आपको मेन सेंसर मिलता है बहुत अच्छी आउटपुट देता है। फिर भी सजेस्ट करूँगा कुछ कैमरा टेस्ट वाली वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा अगर आप इस फोन को परचेस करने की सोच रहे हैं। विद दिस दोस्तों अगर प्राइस एंड कंक्लूजन की बात करें तो चलिए दोस्तों, तो ये आपको ऑलराउंडर फोन देखने मिल जाता है बहुत अच्छी प्राइसिंग के साथ देखने के लिए। जब आपको बेस वेरियंट 12 GB 256 GB मिलेगा UFS 3.2 के साथ 65,000 में, सेकंड वेरियंट आपको मिलेगा 16 GB 512 GB के साथ 70,000 के अंदर दोस्तों। कुछ बैंक ऑफर कार्ड लगाने के बाद फोन की प्राइसिंग थोड़ी और कम हो जाएगी। डिज़ाइन एंड जो आपको UI की एक्सपीरियंस मिलेगी बहुत ही तगड़ी मिल जाएगी। मल्टीमीडिया एंड गेमिंग भी आपको टॉप नॉच मिल जाएगी। मुझे पर्सनली फोन का फॉर्म फैक्टर, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी। आपको कैसा लगा फोन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ दोस्तों, आपको कोई डाउट सजेशन कमेंट है इस फोन से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं फीडबैक की तरह उस सजेशन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करूँगा और इंप्रूव करूँगा, और आपके डाउट को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा पर्सनली रिप्लाई देके दोस्तों। अगर आपको फोन अच्छा लगा डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी सिंपली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे वीडियोज देखने के लिए। और दोस्तों आपको एक लाइक और सब्सक्राइब से छोटी सी ग्रोथ मिलती है चैनल को, और इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज बनाने के लिए दोस्तों। सो एट द लास्ट अगर आपको फोन अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें एक छोटी सी ग्रोथ मिल जाए। एट द लास्ट दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे किसी नेक्स्ट अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक दोस्तों गुड बाय, टिल देन पीस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।